नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। अस्पताल के आईसीयू में भयावह आग। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड एसयूएम अस्पताल में सोमवार शाम लगी आग में 23 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह राज्य में किसी अस्पताल में हुई भयावह घटनाओं में से एक है। माना जा रहा है कि भुवनेश्वर के इस सबसे बड़े अस्पताल की पहली मंजिल पर बने डायलिसिस वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जो आईसीयू सहित अन्य जगह तक तुरंत फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल से 14 मरीज मृत अवस्था में कैपिटल अस्पताल लाए गए, जबकि अमरी अस्पताल में 8 मरीज मृत अवस्था में लाए गए। बहरहाल भुवनेश्वर में अधिकारियों ने बताया कि पुलिस आयुक्त कार्यालय और दमकल कर्मियों ने स्वयं सेवकों एवं अस्पताल कर्मियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया, क्योंकि 500 से ज्यादा मरीज इमारत में फंसे हुए थे। आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 7 अग्निशमन वाहनों को लगाया गया और नाजुक हालत वाले मरीजों को अन्य अस्पताल में भेजने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस लगाई गई। एक चश्मदीद ने कहा कि कई मरीजों को खिड़कियों के शीशे तोड़कर निकाला गया। अस्पताल में आग की घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हादसे को अत्यंत दुखद करार दिया। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे सम अस्पताल से लाए गए मरीजों को जरूरी इलाज मुहैया कराएं। उन्होंने सभी निजी अस्पतालों से भी अनुरोध किया कि वे सम अस्पताल के मरीजों का इलाज करें। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे दिमाग को झकझोर देने वाली घटना करार दिया। मोदी ने ट्वीट किया कि ओडिशा के अस्पताल में लगी आग में लोगों की जान जाने से काफी दुखी हूँ। ये त्रासदी दिमाग को झकझोर देने वाली है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की है और उन्हें घायलों को एम्स में भर्ती कराने की व्यवस्था करने को कहा है। उम्मीद है कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। इस बीच ओडिशा सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मेडिकल शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशक मामले की जांच करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अतनु एस नायक ने कहा कि यदि अस्पताल अधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैपिटल अस्पताल के निदेशक बीबी पटनायक ने कहा कि कई पीड़ित सम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे और जीवन रक्षक प्रणाली पर रह रहे थे। ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई। साल 2011 में कोलकाता के AMRI अस्पताल में भीषण आग लगी थी, जिसकी चपेट में आने से 79 लोग मारे गए थे, जिनमें 85 मरीज थे। और अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाक ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, राजौरी में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी। पाक कलाकारों पर प्रतिबंध पर मुकेश अंबानी बोले, कला संस्कृति से पहले देश। मुंबई के मेगा टावर में आग, 2 लोगों की मौत। छठ पर्व के लिए विशेष ट्रेनें चलाएगा उत्तर रेलवे। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश कार्जू को तलब किया।